जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम बताएंगे दोस्तों बिल्कुल मेरे जैसा, हम जैसे आपको थंबनेल बनाते हैं अपने चैनल के ऊपर, उस टाइप आप कैसे थंबनेल बना सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, आपको हल्का कलर कैसे रखना है, आप पूरा बैकग्राउंड कैसे बनाना है, आज की वीडियो हम बताएंगे पूरा अच्छे से। आप वीडियो पे बने रहे और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर दे, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही आपको यूट्यूब से रिलेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप वीडियो को स्किप ना करें। अब मेरे जैसे थंबनेल आप इजीली बना सकते हैं। बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर क्या रखना है ये चीज मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन के इनके ऊपर ऊपर आ चुके हैं और सिंपली आपको पिक्सल लैब खोल लेना है जो कि आपको थंबनेल बनाने में आसानी हो। चलिए दोस्तों पिक्सल लैब खोल लिए हैं। बैकग्राउंड के साथ साथ आपको थंबनेल में कौन सा टेक्स्ट लेना है और कौन सा नहीं लेना है, चलिए दोस्तों इस प्रकार आपको थंबनेल बना करके दिखाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहले आपको बैकग्राउंड देख ले दोस्तों, इस प्रकार का बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये सबको हम फिर से इसी टाइप का कुछ यूनिक आपको थंबनेल बना के दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आपको इसे कैंसिल करते हैं, उसके बाद फिर से पिक्सल लैब खोल लिया जाता है और दोस्तों आपको पहले पीछे का जो कि बैकग्राउंड है उसे पहले बनाया जाता है। चलिए दोस्तों उसे बनाते हैं और सिंपली आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे जाना है, आपको यहाँ इमेज पे जाना है, कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद थंबनेल आप अगर बनाना चाहते हैं थंबनेल या बैनर तो बैनर, तो उसके बाद दोस्तों आपका जो कि पीछे का बैकग्राउंड का कलर लेना है, आपको किस टाइप का लेना है। तो हमेशा कोशिश करें, अगर अभी नए नए अगर अभी चैनल खोलें तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक रखने का कोशिश करें। चलिए दोस्तों पीछे का बैकग्राउंड जो कि कल ब्लैक ले लेना है और दोस्तों यहाँ से स्ट्रोक ले लेना है दोस्तों, इस प्रकार ये स्ट्रोक ले लेना है आपको, किस जिस कलर में आपको चाहिए उस कलर को यहाँ पर कलर कर लेना है। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, ये तो बैकग्राउंड कलर हो गया दोस्तों, आपको क्या करना है स्ट्रोक का कलर लेना है, इसे इसका कलर लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका कलर लेने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। और चलिए दोस्तों तो इस प्रकार दोस्तों ये स्ट्रोक पर क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। जिस भी टाइप का आपको कलर रखना है पीछे का, उस टाइप का आपको कलर यहाँ पर लगा, तो इसे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों ये लॉक हो चुका है, आपको सिंपली दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे जाना है और ये वाइड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है, फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों इस प्रकार आपको इस प्रकार बिल्कुल इस प्रकार आपको कर लेना है, ठीक है दोस्तों, और इसे सेट कर लेना है, ऐसे जूम करना है, जूम करें या छोटा बड़ा आप यहाँ से आप इस प्रकार आपको बैठा लेना है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर सिंपली मैंने बैठा लिया है और यहाँ पर इमेज फ़ोटो लगाना चाहते हैं अपना लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको आपको मैचिंग करने के लिए फिर से शेडो वाले ऑप्शन पर जाना है, इसको बैक कर लेना है, ऐसे कलर कर लेना है, ब्लैक कलर करना है दोस्तों। ब्लैक कलर से क्या होगा आपको दिखाते हैं क्या होगा, जो कि इसे ऑन करने के बाद यहाँ ब्लैक ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये शेडो वाले जो आपको ये दिलाए हैं ये यहाँ पर इस प्रकार लगा लेना है देखने में, जो कि अच्छा लगे, मैचिंग लगेगा दोस्तों। इस प्रकार मैचिंग हो गया है। फॉन्ट आपको ले लेना है, टेक्स्ट ले लेना है अपने अनुसार। चलिए दोस्तों पहले यूट्यूब का जो कि लोगो है वो आपको ले लेना है, दो लोगो अगर कोशिश करें इस प्रकार, दो गो अगर रहे तो और बेस्ट रहेगा, यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन से कॉपी करके ये दो गो आपको ले लेना है और इस प्रकार आपको जो कि देखने में अच्छा लगे उस प्रकार आपको सेट कर लेना है। चलिए दोस्तों इसे सेट करना है। चलिए दोस्तों टैक्स ले लेते हैं और इसमें स्पीड से यहाँ पर टैक्स लगा लेते हैं। यहाँ पर मेरे जैसे थंबनेल बनाए ये सिर्फ लिख लिए हैं और यहाँ पर क्लिक कर लेना है और इस प्रकार आपको हो जाता है थंबनेल का स्पेलिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पर THU यहाँ होगा दोस्तों, THU ये हो गया थंबनेल बनाए मेरे जैसे थंबनेल बनाए, इस प्रकार ये वाला टेक्स्ट जो है मैंने लिख लिया हूँ। ऐसे कैसे बैठाना है दोस्तों, इस प्रकार आपको इसको स्क्रोली छोटा कर लेना है और आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो कि अभी मैं जो बैनर लगाया हूँ इसे इस प्रकार आपको यहाँ से गैलरी से उठा लेना है।
उठाने के लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको पिक्सल लैब वाले ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया दोस्तों, और दूसरा फिर एक और दो थंबनेल मैंने यहाँ पर सिंपली आपको दिखाने के लिए लगा देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों क्या करना है आपको, जो कि थंबनेल जो है मैंने जो बनाया है उसे हम बैठा के लिए आपको सिंपली बैकग्राउंड बनाने सीख गए होंगे दोस्तों। इस प्रकार आपको भी स्ट्रोक अगर डालना चाहते हैं स्ट्रोक डाल दें, वाइट अगर स्ट्रोक डाल देते हैं तो देखिए दोस्तों किस प्रकार लगता है। इस प्रकार आपको भी अगर डालना है इस प्रकार स्ट्रोक डाल सकते हैं, अगर शेडो डालना है तो इस प्रकार शेडो का भी ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पर, तो इसे ऑन कीजिएगा दोस्तों इस प्रकार शेडो भी लग जाएगा, और इस प्रकार आप भी शेडो डाल सकते हैं। को हमेशा यूज़ करना है फॉन्ट के अंदर एक लाइट कलर होना चाहिए तो एक डार्क कलर रखना चाहिए। तो दोस्तों बैकग्राउंड का कलर हमेशा डार्क रखें और लाइट कलर जो कि हमेशा फॉन्ट में यूज़ करें। चलिए दोस्तों फॉन्ट का कलर कैसा रखना है, तो दोस्तों वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन रखते हैं दोस्तों, देखने में अच्छा लगेगा और तो आपका जो कि अच्छा लगेगा देखने में। तो इस प्रकार कलर कॉम्बिनेशन हमेशा रखने का कोशिश करें, और इस प्रकार आपको जो कि फॉन्ट है फॉन्ट को भी आप चेंज कर लें यहाँ पर। इस प्रकार जाएं फॉन्ट वाले ऑप्शन पर, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस टाइप का फॉन्ट रखने का कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार मैंने एक फॉन्ट ले लिया हूँ, और इसे ये देखिए दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ स्ट्रोक शेडो ये सब अगर आपको देना चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्रोक ऑन कर लें, ये सब दे सकते हैं। और इस प्रकार देने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पर आप इस प्रकार यहाँ पर अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं यहाँ पर फोटो को भी लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार मैंने ये कार्टून वाले यहाँ पर फोटो पोस्टर आप यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने फ़ोटो लगा दिया, और ये जो है आपको ये जो है पीछे का बैकग्राउंड का कलर आपको अपने मन मुताबिक रखना है और अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने एक ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया हूँ और इस प्रकार मैंने बना दिया, और देखते हैं दोस्तों ये वाला जो आपको इस प्रकार आपका बैनर जो बनता है और पीछे का जो कि स्ट्रोक टाइप रहता है ये आप इसको कलरफुल कर सकते हैं अपने हिसाब से, वाइट ब्लैक और भी कलर में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे क्या करते हैं, ये जो आपको पट्टी टाइप का आता है इस पट्टी को हम यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार पट्टी को अंडर की साइड अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इस प्रकार आप भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं, और इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों आपको जो मैं थंबनेल का जो बैनर का ये जो ऑप्शन है इसे आपको फोकस में ज़्यादा लाइट कर रहा होगा। इस प्रकार आप भी बना सकते हैं, आप भी थंबनेल बना सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो इस प्रकार थंबनेल बनाना बैकग्राउंड आप बनाने सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।